So I believe in Allah and His sayings. And the strange thing is, my wife is Hindu. I'm very proud to be a Muslim. I'm very proud to be of this religion. I'm very proud का आपको लगाव है जहाँ पर हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की. मेरी बीबी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है. और जेन्युइन बात है. कई बार जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है. तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने आके पूछा भी मुझसे एक बार कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं. तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. एक और सही. ओह माय गॉड, वाओ. मैं तो मुस्लिम हूं. जल्दबाजी तो नहीं की तुमने, क्योंकि तुमने कोई हम सलाह भी करते हैं और दुआ पढ़ते हैं. और मैं, मेरे ही बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं जो मेरे, अब मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड्स हैं और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन सबको बुलाकर हम नमाज पढ़ते हैं. और हमारे घर में जो जितने भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो नमाज लीड करते हैं. सो दिस टाइम हमने कपड़े वगैरह बनाए हैं बच्चों के लिए सारे मुस्लिम स्टाइल के. और आई विल नॉट मेक अ स्टेटमेंट अबाउट इस्लाम जस्ट बिकॉज इट साउंड्स गुड. आई थिंक इट इज एज वंडरफुल, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल रिलीजन. आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स फैंटास्टिक. I'm Muslim and it's fantastic to be me, I think. See, I'm Muslim, I believe in Islam and I believe it has some really wonderful things. खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा. तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है. फरमाते हैं मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया, मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में. कहते हैं जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास, आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे, वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी. का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फाला रब होगा बैसा बिल फील. कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया. अरे अब तक नहीं समझे, अल्लाह ने बताया कि वारिस ए काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर. बहसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है. तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है? 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती. कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाल्लाह हक वाजे हो जाएगा. 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए. लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है. ये लॉजिक ये गलत है बेटा. साइंस क्या, साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है. असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है. जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती. साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता हुआ साकिन का, स्टैटिक. अर्थ स्टैटिक पोजिशन में है, ये मूव नहीं करती. अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी. रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई. जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है? क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे. मोहब्बत वालों के लिए ये दलील के जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं.